आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इलेक्ट्रो SMM में अपना ऑर्डर कैसे लगा सकते हो। तो इलेक्ट्रो SMM में ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक यूजर नेम डालना है। यूजर नेम में आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉट एट का यूज नहीं करना है, वरना अकाउंट बनाने में आपको एरर आ सकता है। आपको इस तरह का एक यूजर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है और फिर यहाँ आपको अपना जीमेल डालना है। ये जीमेल अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिसेट करने में आपकी मदद करेगी। इसको डालने के बाद यहाँ आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है और फिर यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद उस पासवर्ड को फिर से आपको कन्फर्म पासवर्ड पर डालना है। ये सभी इन्फॉर्मेशन सही से डालने के बाद आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है और फिर साइन अप बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर सारे सर्विसेज दिख जाएगा, लेकिन ऑर्डर लगाने से पहले आपको अपने अकाउंट पर पैसे ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस 3 लाइंस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको ऐड फंड का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 पेमेंट ऑप्शन मिलेगा, बाइनेंस, जी पे या फिर फैम पे और पेटीएम। अगर आप किसी अन्य देश से हैं तो आप हमें बाइनेंस से पेमेंट कर सकते हैं, और या फिर अगर आप इंडिया से हैं तो आप हमें पेटीएम या फिर जी पे फैम पे से कर सकते हो। अगर आप जी पे या फिर फैम पे से पेमेंट करोगे तो आपका पेमेंट डायरेक्ट वेबसाइट पर ऐड नहीं होगा। आपको इस व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करके हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आपको पेमेंट प्रूफ भेजना पड़ेगा। हमारा टीम आपके पेमेंट को कन्फर्म करके आपके अकाउंट पर ऐड कर देगा। अगर आप अपने पेमेंट को डायरेक्ट वेबसाइट पर ऐड करना चाहते हैं तो आपको पेटीएम से पेमेंट करना है। सबसे पहले आपको इस पेटीएम QR को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अपना पेटीएम ऐप को ओपन करना है और डाउनलोड किए गए QR पर अपना अमाउंट पे करना है। आप जितना अमाउंट पे करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ID शो होगा। आपको इस ऑर्डर ID को यहाँ पर क्लिक करके कॉपी करना है। उसके बाद आपको वापस हमारे वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ID का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आपने पेमेंट करते टाइम जिस ऑर्डर ID को कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करके डाल देना है, और इसके नीचे आपने जो अमाउंट पे किया था उसको डाल देना है। फिर आपको इस बटन पर क्लिक करना है, आपका पैसा वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद ऑर्डर लगाने के लिए आपको न्यू ऑर्डर पर क्लिक करना है और फिर कैटेगरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारे सर्विसेज के कैटेगरी शो हो जाएगा। अगर आपको अपने पोस्ट या रील में लाइक्स बढ़ाना है तो आपको इंस्टाग्राम लाइक्स नॉन ड्रॉप कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको एक सर्विस सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ आपको अपने पोस्ट या फिर रील का लिंक कॉपी करके डालना है और फिर यहाँ पर आपको कितना लाइक्स चाहिए उसका क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको उसका चार्ज कितना होगा वो आपको यहाँ शो होगा। तो आपको क्वांटिटी डालकर न्यू ऑर्डर पर क्लिक करना है, आपका ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन मैं आपको इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कैसे बढ़ाना है वो दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको यहाँ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का एक कैटेगरी सिलेक्ट करना है, फिर आपको एक सर्विस सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डालना है। तो उसके लिए आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है, फिर आपको इस पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट का लिंक कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको वेबसाइट पर आना है और यहाँ आपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जो लिंक को कॉपी किया था उसको डालना है। फिर यहाँ क्वांटिटी सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको प्राइस भी शो हो जाएगा। तो उसके बाद आपको न्यू ऑर्डर ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपको कुछ देर में फॉलोअर्स रिसीव हो जाएगा।